बैतूल जिले की भैंसदेही में सोयाबीन की फसल पर पीला मोजेक रोग अटैक हुआ है। पीला मोजेक एवं कंबल कीड़ा रोग से सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई है। पीला मोजेक के कारण सोयाबीन के पौधे सूखने लगे हैं, फलियां टूटकर नीचे गिर रही हैं, वहीं मक्के की फसल को अतिवृष्टि से काफी नुकसान पहुंचा है। बुधवार को सावल मैधा, कोतल कुंड, धाबा, खोमी, थोपाडा, मुक्तागिरी, डेडवा कुंड, रामघाटी सहित अर्ध सैकड़ा गांव के ग्रामीण ने भैंसदेही मुख्यालय पहुंचे और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रामू टेकाम के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन SDM कैलाश चंद्र परते को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से किसानों मांग की है कि फसलों का सर्वे करवाया जाकर किसानों को फसल क्षतिपूर्ति राशि दी जाए। आदिवासी विकास परिषद की ओर से शामिल ज्ञापन में जनपद पंचायत के अध्यक्ष संजय मावसकर, जामजिरी सरपंच अशोक उइके, आदिवासी विकास परिषद के ब्लॉक अध्यक्ष तुलाराम उइके, रामघाटी सरपंच गोरेलाल परते सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के समस्त किसान भाई सम्मिलित हुए। फसल का सर्वे करना होगा, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। मुआवजा देना होगा, किसानों को मुआवजा देना होगा, किसानों को मुआवजा देना होगा। भैंसदेही विधानसभा की फसलें खराब होती नजर आ रही है, लगातार क्षेत्र में ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सर्वे टीम तैयार नहीं की गई। आज मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के तत्वाधान में हमारे जो पूरे मध्य प्रदेश में जो भारी बारिश के चलते पूरे किसान भाइयों की फसल खराब हुई है, जिसमें बैतूल जिले के हमारे भैंसदेही विधानसभा के भैंसदेही ब्लॉक के हमारे 15 से 20 गांव के जो किसान जो यहां पे आए हैं, और सबकी यही एक मंशा है, क्योंकि लंबे समय से जो बारिश हुई है और एक तो पीलापन आ गया, बीमारी आ गई, और 90 से 100% पूरी फसल हमारे किसान भाइयों की खराब हो चुकी है। तो हमने आदरणीय SDM साहब को ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की है कि जल्द से जल्द हमारे सभी किसान भाइयों को, कोई भी किसान वंचित ना रहे, चाहे वो छोटा किसान हो, मध्यम किसान हो, चाहे वो बड़ा किसान हो, सभी किसान भाइयों को शासन की ओर से उचित मुआवजा मिले, उसका सर्वे हो और जल्द से जल्द उनको वो राहत राशि मिले। चूँकि अगर हम ऐसे कोरोना महामारी के दौर में जहाँ पे आज रोजगार नहीं है, आज किसी भी प्रकार का यहाँ पे आय के साधन नहीं है, और अधिकतर अन्नदाता ही हमारे देश को चलाते हैं, जो आज हमारे साथ में अन्नदाता किसान भाई ये सोयाबीन लेकर के आए, कुछ भी नहीं है ये सोयाबीन में। तो मैं मीडिया के साथियों से ये मांग करता हूँ, मध्य प्रदेश की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से, कि इनके दर्द को जाने और जल्द से जल्द उचित मुआवजा हमारे किसान भाइयों को दिया जाए।